फ्रंट व्यू आप लोग देख पा रहे हो कितना प्यारा रहने वाला है फ्रंट व्यू। और ये मेन एंट्रेंस की ये है जो कि आपका ये है सोना रोड, और यहाँ से जो गाड़ी लेफ्ट जा रही है टू वर्ड सोना और राइट यहाँ से टू वर्ड गुड़गांव। और व्यू के देखते हुए व्यू बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। और ये आपके बोर्ड लगे यहाँ पे दिल्ली जयपुर गुरुग्राम। काफ़ी रश, ये देखना पूरी पार्किंग फुल है यहाँ पे, इतनी गाड़ी लग रखी है। तो ये है आपकी मेन एंट्रेंस, और यहाँ से हम फिर से एक बार देख लेते हैं टोल कितना दूर है यहाँ पे। ये है आपका टोल और ये आपकी साइट। ये आपका सोना गुरुग्राम एलिवेटेड हाईवे जो कि रिसेंटली ही ऑपरेशनल हुआ है। गुड़गांव और सोना में अब कोई भी डिस्टेंस नहीं बच रही है। अगर मैं अपनी साइट जो कि यहाँ से बात करूँ राजीव चौक की, तो हार्डली 12 से 15 मिनट भी आप नहीं कह सकते हो, बहुत ज़्यादा 12 से 14 मिनट आप कह सकते हो। 12 से 14 मिनट में आप इजिली साइट पे पहुँच जाएंगे। तो ये लोकेशन आपकी, और ये आपका सोना रोड, और ये आपका टोल। तो मैं आपको फिर से एक बार जूम करके दिखाना चाहूंगा कि टोल से आप बाई वॉक भी यहाँ तक आ सकते हो। सो यहाँ से हम करते हैं एंट्री और एक बार चल के देखते हैं अंदर कितना अच्छा व्यू रहने वाला है और क्या क्या चीजें बन चुकी हैं। सो चलिए जी वीडियो कर लेते हैं हम स्टार्ट। सो ये रूट्स जो कि इंटरनल रूट्स आपके बन चुके हैं, आप कार्ट के थ्रू यहाँ पे पूरा व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू आने वाला है। और ये आपके लिए क्लब हाउस जो कितना प्यारा व्यू। और प्ले ग्राउंड भी रेडी हो रहा है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है जो कि रोड का भी काम बहुत कुछ स्टार्ट है, टेक्निकल काम भी जो बने छह रास्ते थे बेसिकली, और बहुत से जहाँ पे टेकिंग नहीं होना चाहिए वहाँ भी टेकिंग थी, तो उसको प्रॉपर सॉइल लेवलिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और विजिट बैक टू बैक स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा रश रहने वाला है जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, तो उससे पहले भी आप लोग अपना विजिट का प्लान कर सकते हो। ये सोना रोड आपका सामने अरावलीज, और ये हम चल रहे हैं बेसिकली जो इंटरनल रोड्स हैं, और यहाँ पे बैक टू बैक विजिट्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये सारा आपका व्यू रहने वाला है, मौसम भी काफी प्यारा है। जी बताइए क्या बताना चाह रहे हैं आप। ये सामने टोल है, और कौन सा होटल है? कंट्री इन।
कंट्री इन होटल है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये सामने ही आपका टोल है ये, और अरावली व्यू भी आपके साथ में है। आप लोग बिफोर टोल भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, जो कि कोई टोल नहीं लगना आपको इस सोसाइटी में एंट्री करने के लिए। ये सामने क्लब हाउस रहेगा आपका, लोकेशन में नो डाउट बहुत ही अच्छी लोकेशन रहने वाली है आप लोग के लिए। अरावली हिल्स भी आप लोग देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं बिल्कुल टोल के नजदीक। सामने आपका टोल और ये आपका क्लब हाउस रहने वाला है, बहुत ही प्यारा क्लब हाउस। इतना प्यारा नजारा क्लब हाउस जहाँ पे बाउंड्री की गई है जी, ये लैंड की जो बेसिकली मार्क इन्होंने मार्किंग कर रखी है, जो कि टीन शेड के थ्रू एग्जिट कहाँ से। सो क्लब में कर लेते हैं एक बार एंट्री और देख लेते हैं कितना प्यारा व्यू है मानोगे। और हम कर रहे हैं यहाँ से एंट्री, लाजवाब एंट्री, और ये कितना प्यारा व्यू। और यहाँ से आप करेंगे एंट्री, और ये आपका इस टाइप से रहने वाली है सारी चीजें यहाँ पे, लाइब्रेरी, और ये आपका कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस साइड भी दे रखे हैं कुछ गेम्स, और इस साइड भी कुछ हैं गेम्स। ये आपका फ्रंट व्यू आने वाला है, और हर जगह पे वेंटिलेशन, तो ये काफी प्यारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और बहुत ही लाजवाब। ये आपकी एंट्री, सो आप लोग के लिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा रहने वाला है क्लब। एक बार हम चलते हैं ऊपर की साइड, ऊपर की साइड चल के देखते हैं एक बार व्यू। इस टाइप से राउंड में रहने वाला है यहाँ का व्यू, ये दे रखा आपके लिए गेम का रूम। सेकेंड एंट्री आप यहां से कर सकते हो, सामने आपका टोल बचाने के लिए आप यहां से लेफ्ट लेके और आप यहां से एंट्री कर सकते हो। ये सिग्नेचर ग्लोबल की लैंड है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां से भी इनकी एंट्री रहेगी। तो अगर आप लोग टोल नहीं देना चाहते हो, सोना रोड से आप लेफ्ट लेंगे, जो कि आपका ये एक सेकेंड एंट्री है। यहाँ से हम अगर लेफ्ट लेते हैं तो हम सोना जा सकते हैं, राइट लेते हैं टू बटम गुड़गांव इजिली पहुंच सकते हैं। सो कनेक्टिविटी वाइज प्रोजेक्ट में नो डाउट बहुत अच्छी लोकेशन है। और अब हम चल लेते हैं आगे और देख लेते हैं इसकी इंटरनल व्यू और कितनी अच्छी रहने वाली है।